नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और मैं अभी सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पे साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तिलक नगर डिस्पेंसरी में, जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ मैं कार्यरत हूँ। मोस्टली क्या होता है कि हम जहाँ वैक्सीन लगवाने जाते हैं वहाँ लोगों की भीड़ होती है पहले से, या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको बुखार है या जिनको कोई और कोविड संबंधित सिम्टम्स हैं, उसके बाद वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। होता क्या है कि वो वैक्सीन लगवाने के बाद आपको सिम्टम्स, जो आपको प्री एग्जिस्टिंग कोविड था, जो कोविड पहले से था, उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, या फिर आपने जिस जगह वैक्सीन लगवाई वहां कोई व्यक्ति संक्रमित था, आप उसकी जगह पर बैठे और आपको वहां से संक्रमण हो गया, और उसके बाद फिर आप घर आए, 4 दिन के बाद आपको बुखार हो गया और नाम आपने वैक्सीन का लगा दिया। तो ये प्रॉब्लम है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये हमें जो इन्फेक्शन हुआ है कोविड की वैक्सीन लेने के बाद, वो वैक्सीन से नहीं हुआ, वो हमें कम्युनिटी इन्फेक्शन हुआ है। कम्युनिटी इन्फेक्शन माने कि या तो हमने वहां किसी से इन्फेक्शन कैच किया है, या फिर हमें प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन था जिसके सिम्टम्स वैक्सीन लेने के बाद आए हैं और हमने नाम वैक्सीन का लगा दिया। तो प्लीज इस मिथ को दूर करें, वैक्सीन जो कि डेड वायरस को यूज करती है वो आपको कोविड नहीं देगी। मेरे पास काफी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और वो मास्क नहीं लगाते कई बार, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो मुझे कहते हैं कि सर हमने तो वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो अब हमें कोविड नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी बात होती तो आप रिसेंटली, आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा इसराइल देश का, जिसने अपनी पॉपुलेशन को 70% से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया था, और उन्होंने मास्क की जो पॉलिसी थी कि आपने पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना है, उसको हटा दिया था। और ये पब्लिक प्लेस पे मास्क हटाने की पॉलिसी लगाने के बाद वहां पर मैक्सिमम केसेस बढ़ गए कोविड के, गिवन द फैक्ट कि वहां की 70% पॉपुलेशन आपकी वैक्सीनेटेड है। तो अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन की दो डोज आपने ले ली है, उसके बाद आप ये इस भ्रम में हैं कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को म्यूटेट करता है। नए वेरिएंट के बारे में आपने सुना होगा, डेल्टा वेरिएंट, पहले अल्फा वेरिएंट था, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट है। अगर इसके अंदर म्यूटेशन होती रहेंगी तो ये वायरस और बढ़ता रहेगा, इसलिए आपने सबसे ज्यादा सावधानी वैक्सीन लेने के बाद ही बरतनी है। आपने मास्क लगाना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 गज की दूरी आपने बना के रखनी है, आपने डबल मास्क का प्रयोग करना है, और सोशल गैदरिंग्स को जब तक सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश ना आए उसको उसका पालन करना है। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि प्लीज वैक्सीन लगवाने के बाद आप ज्यादा सतर्क रहें, और आप लोगों को भी सतर्क करें कि वैक्सीन के बाद हमने मास्क को दूर नहीं करना और 2 गज की दूरी को मेंटेन रखना है।